प्रदेश सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि हिमाचल सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रदेश के सभी लाभार्थियों को हिमकेयर योजना का लाभ सुनिश्चित करवाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने बताया आईजीएमसी में जल्द ही पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। वहीं बरसात के कारण होने वाली डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए भी विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर बैठक कर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरी तरह से गंभीर है कि हमारे प्रदेश के वासियों को बेहतर जन सुविधाएं मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। और जहाँ तक हिमकेयर की बात कही आपने, तो हिमकेयर के तहत जो है उसमें जो सरकार की तरफ से बिल्कुल उसमें राशि दी जा रही है। अभी हाल ही में जो है लगभग 100 करोड़ के करीब राशि जो है सरकार द्वारा दी जा चुकी है और इसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि कैंसर हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द ही वो ओपीडी भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और अभी उसमें 45 बेड हैं, उसमें 20 एडिशनल बेड की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लाभ जो है हमारे जो लोगों को मिलेगा, पेशेंट्स को मिलेगा। इसके अलावा जो सिटी सिमुलेटर भी वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और जल्दी ही जो है इसकी सुविधा भी हमारे पेशेंट्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं और उसमें उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी तरह से कर ली है और इससे निपटने के लिए जो है इस विभाग पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। पैट स्कैन इंस्टॉलेशन की जो है जो प्रोसेस है अंतिम चरण में है और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जो लगभग अब वो कंप्लीट होने को है। जैसे ही बिल्डिंग का कार्य कंप्लीट होगा तो पैट स्कैन मशीन भी जो है स्थापित कर दी जाएगी और इसकी सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी।